जय हो छठी मैया। छठ प्रसाद रेसिपी सीरीज में मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ गुड़ का ठेकुआ की रेसिपी, जिसे मैं बिना सांचे का इस्तेमाल किए हुए बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। गुड़ का ठेकुआ का छठ पूजा में हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसे बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है और प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ये रेसिपी आपके काम आए तो इसे लाइक कीजिएगा और उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा जिनके यहाँ छठ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। गुड़ का ठेकुआ बनाने के लिए मैं सबसे पहले 200 ग्राम गुड़ की भेली को मसल लेती हूँ। गुड़ को मसलने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेती हूँ ताकि गुड़ अच्छे से घुल जाए। गुड़ को पानी में अच्छे से घुलाने से पता चल जाता है कि इसमें गंदगी है या नहीं। गुड़ अच्छे से घुल गया है और ये बिल्कुल साफ है, लेकिन यदि आपको लगे कि गुड़ गंदा है तो आप इसे एक बार जरूर छान लीजिएगा। गुड़ को घुलाने के बाद अब मैं ठेकुआ बनाने के लिए एक परात में लगभग आधा किलो आटा ले लेती हूँ। अब मैं मोयन के लिए इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच भरकर घी। आप चाहे तो मोयन करने के लिए घी की जगह पर रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने के लिए ज्यादातर घी का इस्तेमाल ही किया जाता है। घी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मोयन कर लेती हूँ जब तक कि आटा बनने ना लगे। तो देखिए आटे में मोयन हो गया है और ये इस तरीके से बनने लगा है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालकर इसे मिला लेती हूँ। फ्लेवर के लिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच इलायची पाउडर। अब मैं बचे हुए गुड़ के पानी को डालकर इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी डालकर अच्छे से मिला लेती हूँ ताकि आटे में बाइंडिंग आ जाए और इसका लड्डू बनने लगे। आटे में बाइंडिंग आ गई है। अब मैं बिना सांचे का इस्तेमाल किए हुए आपको ठेकुआ बनाकर दिखाती हूँ। अब मैं ठेकुआ को इस तरीके से हाथों से दबाते हुए चपटा कर लेती हूँ। आप इस तरीके से ठेकुआ पर उंगली का निशान बना सकते हैं, ये भी देखने में अच्छा लगता है। सारे ठेकुआ को गढ़ने के बाद अब मैं इसे तलने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर लेती हूँ। जब तेल हल्का गरम हो गया था तो मैंने एक एक करके ठेकुआ को तलने के लिए डाल दिया था। ठेकुआ को मीडियम गरम तेल में डालने के बाद आप इसे थोड़ी देर लो फ्लेम पर तलिएगा ताकि ठेकुआ अंदर तक अच्छे से पक जाए और ये थोड़ा खस्ता बने। यदि आप इसे हाई फ्लेम या तेज गरम तेल में डाल देंगे तो ठेकुआ ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। जब ठेकुआ में हल्का कलर आने लगे तो इसे दोनों साइड से पलटते हुए अच्छे से सेक लें। तो देखिए ठेकुए में बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। अब मैं इसे तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। छठ प्रसाद के लिए गुड़ का ठेकुआ बनकर तैयार है। अब मैं इसी तरीके से सारे ठेकुआ को तल लेती हूँ। ये सिंपल से ठेकुए की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में छठ की एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हो छठी मैया।